अब हम सभी को बेंटन में काफी सारे एलियंस देखने को मिल चुके हैं जिनके पास काफी यूनिक पावर्स होते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 कुछ ऐसे एलियंस के बारे में बताऊंगा जिनके पास आर्टिफिशियली पावर्स हैं। आप लोगों ने टॉपिक को समझा, वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, आर्मड्रिलो। अब आर्मड्रिलो एक ऐसा एलियन है जिसका पूरा का पूरा जो बॉडी है वो आर्मर से बना है, और हम सभी को ये चीज़ पता है कि आर्मड्रिलो के पास एक ऐसा पावर है जो कि वो ड्रिल करता है। मतलब कि आर्मड्रिलो अपने हाथों को इस तरह से कर लेता है कि वो ड्रिलिंग मशीन जैसा काम करता है, पर ड्रिलिंग मशीन से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है आर्मड्रिलो का ड्रिलिंग पावर। तो आर्मड्रिलो के पास ये एक आर्टिफिशियली वेपन है कि वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स तक को भी गिरा सकता है अपने हाथों से, क्योंकि आर्मड्रिलो के हाथों में बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीन्स लगी हुई हैं। नंबर 4, एस्ट्रोडेक्टल। अब एस्ट्रोडेक्टल हमें बेंटन ओमनिवर्स में देखने को मिला था, देखने में काफ़ी अच्छा ये एलियन है। और गाइज, हम सभी को पता है कि एस्ट्रोडेक्टल को उड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है जेट पैक। अब आप सभी को याद होगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है, तो जब गाइज एस्ट्रोडेक्टल उड़ता है तो उसके पीछे से एक ग्रीन कलर का फायर हमें देखने को मिलता है, और वो कोई फायर नहीं होता है, वो एक तरह का जेट पैक होता है। आप सभी को पता होगा कि एक जेट पैक जो है वह उड़ने में मदद करता है, जेट पैक जो है वो बैलेंस करने में और बहुत ज़्यादा स्पीड से उड़ने में मदद करता है। तो एस्ट्रोडेक्टल के पास ये एक आर्टिफिशियली वेपन है कि उसके पास एक जेट पैक है। नंबर 3, गूप। अब देखो, गूप एक लिक्विड टाइप एलियन है, पर हम सभी को पता है कि बेन 10 का जो ओमनीट्रिक्स है वह गूप को एक एंटी ग्रेविटिक प्रोजेक्टर देता है ताकि गूप अर्थ के ग्रेविटी में सर्वाइव कर सके। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि एंटी ग्रेविटी जो प्रोजेक्टर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक डिवाइस है। आप लोगों ने विजियंस ऑफ विलगेक्स एपिसोड में देखा होगा कि गूप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर जो है वो सुअम फायर को पूरी तरीके से काट देता है। मतलब कि कितना ज़्यादा नुकीला होगा वह एंटी ग्रेविटिक प्रोजेक्टर। गूप को एंटी ग्रेविटिक प्रोजेक्टर ओमनीट्रिक्स देती है ताकि वह अर्थ के ग्रेविटी में सर्वाइव कर सके और बहुत ही पावरफुल हो सके गूप, और गूप का काफ़ी मदद करता है एंटी ग्रेविटिक प्रोजेक्टर। नंबर 2, एक्सेलरेट। अब हम सभी को पता है कि जो एक्सेलरेट है वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही स्पीड से भाग सकता है। एक्सेलरेट के पास स्पीड बहुत ज़्यादा है, वह ग्राउंड लेवल में बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता है। तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा एपिसोड्स में कि जब एक्सेलरेट दौड़ने के लिए तैयार होता है तो वह अपना हेलमेट नीचे कर लेता है। तो वह जो हेलमेट है वह एक आर्टिफिशियली, यानी कि एक्सेलरेट जब पैदा होते हैं वह तब से लगी होती है। वह जो हेलमेट है वह इस तरह से मदद करता है एक्सेलरेट की ताकि एक्सेलरेट बाहर अच्छे से देख सके, और काफ़ी कुछ एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी भी होती है। आप लोगों ने बेन 10,000 एपिसोड में देखा होगा कि जब बेन 10,000 एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसने अपने विलेन को स्कैन कर लिया था, तो वो जो हेलमेट है वो आर्टिफिशियली मिलती है एक्सेलरेट को। और नंबर 1 पर यहाँ पर आता है टेरास्पिन। टेरास्पिन का आर्टिफिशियली क्या है पावर, वह है एक हवा देने का। आप सभी को पता है, अगर आपके घर में होगा फैन या कूलर तो आप सभी को पता है कि एक अच्छा सा हवा लगता है। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, इस टाइम में आराम से कूलर या फैन का हवा में आराम से सोया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तो आर्टिफिशियली जो फैन है वो मिलता है टेरास्पिन को। टेरास्पिन जब घूमता है तो उसके अंदर से बहुत ही ठंडा कूलिंग हवा आता है। तो टेरास्पिन जो अपने बॉडी से हवा निकालता है, वो चाहेगा तो वो बवंडर भी ला सकता है। टेरास्पिन के पास ये बहुत ज़्यादा पावर होता है कि वो बहुत भारी भारी सामान को अपने ऊपर ले सकता है और उसको घुमा सकता है, और टेरास्पिन के अंदर एक ऐसा ही कूलर लगा हुआ है। तो ये कुछ 5 ऐसे एलियंस थे जिनके पास आर्टिफिशियली वेपन्स हैं या फिर पावर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।